ट्रक जलाने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। बताते चले कि 5 दिसंबर को सैको थाना में एक मामला दर्ज कराई गई थी। दरअसल सैको थाना क्षेत्र अंतर्गत दिगड़ी पंचायत के रोवादार गाँव में एक चेचिस ट्रक के ड्राइवर अपने मेहमान के यहाँ ट्रक लेकर ही पहुँच गए थे और इसी क्रम में जब वो अपने मेहमान के घर मिलने जुलने गए थे तभी तीन अज्ञात अपराधियों ने आकर उसके ट्रक के पास कब्जा जमा लिया। जैसे ही ट्रक ड्राइवर वापस आया तो तीनों अपराधियों ने उनसे रंगदारी मांगना शुरू कर दिया। वही ड्राइवर द्वारा जब बदमाशों को उनके अनुरूप पैसे व अन्य चीज़ें नहीं दी गई तब बदमाशों ने गुस्से में आकर ट्रक को ही आग लगा दिया था। जिस मामले की जाँच करते हुए आज पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अगर गिरफ्तार अपराधियों की बात करें तो मुर्गा मुंडा पिता मनकी मुंडा, महादेव नाग उर्फ डुबियू पिता मनु नाग, दोनों का ग्राम माइलबुरो, जेठा हस्सा पिता बजनू हस्सा ग्राम कदलडी, ये तीनों सैको थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटी जिले का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 5 की रात्रि में यानी 4 तारीख की रात्रि में थाना प्रभारी सैको को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम रोवा अदर जो कि ग्राम दिल्ली पंचायत के अंतर्गत पड़ता है रोवादर में एक नए चेचिस वाहन को आग लगा दिया गया है। इस सूचना पे घटना की सूचना पे थाना प्रभारी सैको अपने सशस्त्र बल के साथ जब पहुँचे तो वहाँ पे देखे कि उनके उक्त जले हुए चेचिस का ड्राइवर वहाँ मौजूद था जिसका नाम कि मनसा कच्छप है जो ग्राम गोविंदपुर जिला पूर्वी सिंहभूम का रहने वाला है। उसने बताया कि वो बीते शाम में टाटा से टेलको कंपनी से चेचिस लेकर कोल्हापुर महाराष्ट्र के लिए जा रहा था और रास्ते में वो ग्राम रोवादर के पास अपने एक रिश्तेदार के घर पे रुक गया था और वहाँ रुक के दोनों जने बात कर रहे थे। रास्ते पे जो करीब खुटी तमाड़ मुख्य पथ से लगभग 800-900 मीटर की दूरी पर अंदर में है तो उसके जो अपने रिश्तेदार से बात कर रहा था इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर तीन युवक वहाँ से आए, उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने वहाँ आके दोनों को रोका और इसके बाद पैसे की मांग की, चालक से पैसे की मांग की और जो उनके रिश्तेदार था उसको डांट के भगा दिया। चालक द्वारा कहने पर कि मेरे पास बहुत सारा पैसा मेरे पास नहीं है, उसको पॉकेट सर्च किया, फिर उन्होंने देखा गाड़ी में उसका एक बैग था, उससे लगभग 820 रुपये कुल 820 रुपये उन लोगों ने निकाल लिया। इसके बाद वो लोग उस उक्त नए चेचिस वाहन से उसका जो बैटरी है बैटरी खोलने का प्रयास करने लगे ताकि उसे बेच सकें। तो बैटरी खोलने के प्रयास के उपरांत बैटरी वो खुला नहीं, इसके पश्चात उन लोगों के द्वारा अपने मोटरसाइकिल को रोक कर उसके जो कपड़ा होता है साफ करने वाला कपड़ा से और गाड़ी से पेट्रोल निकाल कर और चेचिस वाहन के अंदर केबिन के अंदर में जो फेंक दिया गया, जलते हुए कपड़े को फेंक दिया गया। तत्पश्चात पूरी गाड़ी में आग लग गया और देखेंगे कि पूरी आप लोगों ने देखा भी होगा कि उस वाहन का लगभग आधा से ज़्यादा पोर्शन जो हेड पोर्शन है सारा जला हुआ जल गया। इसके पश्चात इस संबंध में जो चालक है उसके आवेदन लिखित आवेदन के आधार पर सैको थाना कांड संख्या 31/22 दिनांक 5/12/22 का दर्ज किया गया। उक्त घटना के उपरांत उनकी छापेमारी और गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया जिसमें थाना प्रभारी सैको द्वारा और इसके साथ जो केस कायम हैं अभिषेक कुमार सैको थाना, पुलिस अवरक्षक बिटू रजक सैको थाना के द्वारा इस घटना में शामिल तीनों अपराधकर्मियों जिनका नाम क्रमशः मुर्गा मुंडा प्रेसर मनकी मुंडा, महादेव नाग उर्फ डब्यू प्रेसर मनु नाग, दोनों ग्राम माइलबुरु थाना सैको के रहने वाले हैं। तीसरा अपराधकर्मी जो जेठा हस्सा है प्रेसर स्वर्गीय बजनू हस्सा साकिन कदलडी, तीनों ही थाना सैको जिला खुटी के रहने वाले हैं। उन लोगों की गिरफ्तारी की गई। वो घटना के बाद से ही चूँकि हम लोगों का पुलिस दल का काफ़ी प्रेशर था, काफ़ी अब जब पता चल गया कि ये तीनों अपराधकर्मी उनकी गिरफ्तारी के लिए हेतु काफ़ी प्रयास किया गया, उक्त के प्रयास के अनुरूप ही इनकी गिरफ्तारी हो सकी और इसमें उनके पास से बरामदगी जो हुई लूट का जो 820 रुपये पूरा जो था वो बरामद हुआ और जिस कांड से जिस वाहन से ये तीनों वहाँ पे आए थे और लूट की घटना कांड कारित की तो उक्त वाहन को भी जब्त किया गया। उक्त छापेमारी दल में पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार और अभिषेक कुमार खुटी थाना, पुलिस अधीक्षक बिटू थाना और सैको थाना के रिजर्व गार्ड का काफी बड़ा योगदान रहा।